जल शक्ति विभाग मंत्री महेंद्र सिंह के द्वारा कुल्लू की एक जनसभा में शिक्षकों के कोविड काल में कार्य को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश में राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। जहां शिक्षक संघों के द्वारा मंत्री के बयान पर निंदा कर माफी मांगने की मांग की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मंत्री के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदेश शिक्षक संघ के महामंत्री जगवीर चंदेल ने महेंद्र सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ होने के बावजूद इस तरह जनसभा में शिक्षकों का मजाक उड़ाया है, जो कि उनकी हल्की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री क्षमा नहीं मांगते हैं तो मंत्री का घेराव भी किया जाएगा और आने वाले समय में चुनावों के समय भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। माननीय जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी का जो कल बयान सोशल मीडिया में आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा रही है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः, और महात्मा कबीर जी ने तो गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी बड़ा माना है। तो बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, लेकिन उन्होंने जनसभा में जिस तरह से शिक्षकों का मजाक उड़ाया है वो उनकी हल्की मानसिकता को दर्शाता है। इतिहास गवाह है कि एक बार गुरु चाणक्य का भी मजाक इसी तरह राजा ने उड़ाया था और चाणक्य ने शपथ ली थी कि मैं इस राजा को, इस राजपाट को नेस्तनाबूद कर दूंगा। तो शिक्षक वर्ग को इस तरह से मजाक करना और कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो पूरा देश जानता है कि शिक्षक वर्ग इस कोविड संकट काल में भी शिक्षार्थियों के हित में, शिक्षा के हित में कितना ज़्यादा जो है वो सक्रिय रहा है, काम किया है। तो बहुत भर्त्सना माननीय मंत्री जी के बयान की सब जगह हो रही है और कुल मिलाकर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी को अपने ये शब्द जो हैं वो शिक्षक हित में और समाज हित में वापस लेने चाहिए। ये तो सारी बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हैं, क्योंकि प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन जो हैं वो इस उनके इस बयान की कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं और सबने ये एक तरह से चेतावनी दे रखी है कि अगर वे क्षमा नहीं मांगते हैं और अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो उनका घेराव भी किया जा सकता है और आने वाले चुनाव में जो है जो भी संभव हो पाएगा वो शिक्षक समाज करेगा। देखिए, प्रशासन के पास पूरी जानकारी है, पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी सब डिवीज़न लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे शिक्षकों की ड्यूटियां जो हैं वो इस कोविड संकट काल में लगी हैं। तो और अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो एक सर्वे हुआ है उसमें भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन रहा है। तो वो ऐसे नहीं आ गया, बातों से नहीं आया। शिक्षक सुबह से लेके देर रात तक, मैं भी अध्यापक हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षिका हैं, और रात को 10-11 बजे तक हम अपने नोट्स तैयार करते हैं। हर घर पाठशाला में वो जो पाठ्यक्रम उपलब्ध रहता है उसमें भी कई बार जो है वो अपडेटेड नहीं होता। तो शिक्षक तो बच्चों के हित में, और हम तो आज भी तैयार हैं कि विद्यालय खुल जाएं, हम चाहे खुले मैदान में बैठकर ही बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है वो जिस निर्णय लेगी हम तन मन पूर्वक जो है इस कार्य में जुटेंगे। प्रदेश मुख्य अध्यापक एवं प्रधानाचार्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय गौतम ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री ने अध्यापकों का मजाक उड़ाया है जो कि बहुत ही निंदनीय है और इस बयान से सभी आहत हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान मंत्री की अपरिपक्वता को दर्शाता है, क्योंकि अध्यापक आज के समय में कोविड से पहले चुनावों का सारा कामकाज और बाकी सभी सरकार के आदेशों का पालन करते आए हैं, लेकिन इस तरह के बयान दुखदायी हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वीडियो वायरल हुआ है, अखबारों में समाचार चला हुआ है। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री महोदय जी ने अध्यापकों को ये कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई है कि अध्यापक जो है वो मजे कर रहे हैं कोरोना काल में,
मैं मंत्री महोदय के इस बयान से आहत हूं। सीनियर मोस्ट मंत्री हैं और जिस प्रकार का आज उन्होंने बयान दिया उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। मैं उनके ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि हम वही अध्यापक हैं जो इलेक्शन से लेके जनगणना से लेके कोरोना काल में बॉर्डर्स पर ड्यूटी से लेके हॉस्पिटल में ड्यूटी लेके देके सरकार के सारे कार्यों में हम हाथ बटाते हैं। यहाँ तक कि हम घर 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 जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं जबकि बच्चे घरों में हैं। ये सरकार के जो आदेश हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि शायद माननीय मंत्री जी को इन बातों से अनभिज्ञा है, उनकी अपरिपक्वता को बताता है। और शिक्षक समाज जो है और अध्यापकों के साथ अभिभावक और पूरे प्रदेश के जो अभिभावक हैं वो भी इससे आहत हुए हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री का ये जो बयान है वो बहुत ही एक दर्द भरा और शर्मनाक है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। अच्छा होता अगर मंत्री जी तारीफ करते कि सबसे ज्यादा काम शिक्षकों ने किया, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ाई हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा हो रही है, हर टीचर जुड़ा हुआ है, ई संवाद हो रहे हैं। शायद इन सभी बातों से हमारे वरिष्ठतम मंत्री जो हैं वो अनभिज्ञ हैं जो उनकी छोटी सोच को बताता है। मैं इस मंच से उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और भविष्य में ये चाहूंगा कि मंत्री जी बिना तथ्यों को जाने ऐसी अनाप शनाप ब्याजबाजी ना करें जिससे कि शिक्षक समाज, अभिभावक और ये जो प्रदेश के जो बुद्धिजीवी समाज है उसको लज्जित होना पड़े। जल शक्ति मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी ने अध्यापकों पर की गई टिप्पणियों को अशोभनीय करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि मंत्री महेंद्र सिंह के द्वारा अध्यापकों की खिल्ली उड़ाने से भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्री की इस तरह की बयानबाजी पर प्रदेश सरकार वो भाजपा संगठन क्यों चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार को मंत्री महेंद्र सिंह को पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार का असली मुखौटा लोगों के सामने आ चुका है। शिक्षा विभाग के ऊपर जिस तरीके से मंत्री महेंद्र सिंह जी ने एक निंदनीय बयान दिया है, अध्यापकों की खिल्ली उड़ाई है, मजाक किया है, शायद वो अपनी असलियत को भूल चुके हैं कि शिक्षकों को जहां जहां जिम्मेवारियां दी गई उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया है। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह जी ने जिस तरीके से ये घटिया बयानबाजी की है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। उनको अपने मंत्रालय से बर्खास्त कर दिए जाना चाहिए। और बड़ी हैरानी की बात है कि उनके इस घटिया बयानबाजी के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता चुप है, हर कार्यकर्ता चुप है। भारत को, देश को, समाज को धर्म की बात बताने वाले, संस्कार की बात बताने वाले आज लोग चुप हैं, आज भाजपा के नेता चुप हैं। और आने वाले समय में समाज भाजपा को उखाड़ फेंकेगा और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है।